पुनः स्वागत। हवे बात करवी छे पांच सेकंड मां मौतना दर्शन अंगे। सवाल थयो छे के पांच सेकंड मां मौतना दर्शन हजी पण लाग्यु हशे, परंतु तमने अमे जे तस्वीर बतावा जई रह्या छीए तेने जोता तमारी आंखो पण पोळी थई जशे। तमे चौंकी उठशो के केवी रीते उतावळनुं परिणाम मौत बनता वार नथी लागती, केवी छे आ डरामणी, छतां पाठ भणवा लायक तस्वीर जोईए आ रिपोर्टमां। रफ्तार, उतावळ, मौत, रोज हजारो अकस्मात थाय छे, रोज हजारो लोको मौतने भेटे छे। आ तस्वीर जोई लो, मात्र पांच सेकंड नो खेल अने मौत भरखी गयु। आ तस्वीर छे वडोदराना बाजवा रणोली रेलवे फाटकनी, ज्यां एक भूल बे मिनिट ने उतावळ एक बाइक चालक ने भरखी गई। रेलवे नु क्रॉसिंग थई रह्यु हतु, फाटक बंद हतु, परंतु अचानक एक बाइक चालक फाटकनी साइड माथी बाइक लईने आव्यो अने फाटक ने स्पीड में ओळंगवा गयो, परंतु तेनी रफ्तार अहीं ट्रेन नी रफ्तार थी धीमी पड़ी अने मात्र पांच सेकंड में खेल खलास थई गयो। अहीं कोनो वाक गणाशे, ट्रेन नो? ना, जरा पण नहीं। अहीं संपूर्ण वाक बाइक चालक नो छे, कारण के फाटक बंद होवा छतां तेणे फाटक ओळंगवानी कोशिश करी अने ट्रेन नी अड़फेटे आवी गयो। बरोड़ा के पास करचिया यार्ड का एक फाटक का वीडियो है। दिनांक 21 जून 2020 शाम 7:40 पर एक व्यक्ति फाटक बंद होने के बाद भी पता नहीं किस रास्ते से बाइक लेके ट्रैक पर आ गया और उसी वक्त वहां से शायद कर्णावती एक्सप्रेस अपनी अधिकतम गति से गुजर रही थी और वो व्यक्ति बाइक के साथ कर्णावती एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। साथियों, वैसे कहा गया है कि आदमी ठोकर लगने के बाद ही सुधरता है या संभलता है, लेकिन साथियों ये जो ट्रेन की टक्कर है, ये जो ट्रेन की ठोकर है, ये ठोकर आपको कभी संभलने का मौका नहीं देगी। तो ये कहावत यहाँ पर गलत साबित हो जाती है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, नम्र विनंती करता हूँ कि कभी भी इस तरह से गेट बंद हो, फाटक बंद हो, तो उसे पार करने की कोशिश न करें। મહત્વનું છે કે દર વર્ષે આ પ્રકારની અનેક ઘટનાઓ સામે આવે છે, કારણ કે લોકોને જ ઉતાવળ એટલી હોય છે કે એક કે બે મિનિટ સુધી રાહ જ નથી જોઈ શકતા અને ક્યારેક આવી જ ઉતાવળ તેમને ભારે પડે છે। ત્યારે આજે વીટીવી રાજ્યના દરેક વ્યક્તિને અપીલ કરવા માંગે છે કે આ પ્રકારે કોઈ જીવનનું જોખમ ન ખેડે, કારણ કે બે મિનિટમાં તમે પૈસાદાર નથી બની જવાના, પરંતુ તે બે મિનિટની ઉતાવળ તમારી જિંદગી છીનવી શકે છે, તમારા પરિવારને જિંદગી ભરનો મોટો આઘાત આપી શકે છે। જયપાલ આહિર, બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ।